हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी को सुशला ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा राउरकेला शहर में हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अभी मैं हॉकी स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ। फ्रेंड्स, राउरकेला वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारा राउरकेला शहर में हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फ्रेंड्स, उस खुशी के साथ साथ मैं और एक खुशी शेयर करना चाह रही हूँ, जस्ट बिकॉज हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हमारा राउरकेला शहर बहुत खूबसूरत बन रहा है। ब्यूटिफिकेशन के लिए हर चौक में वाटर फाउंटेन रखा गया है, दीवार में बहुत खूबसूरती से पेंटिंग किया गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रही हूँ, आप मेरा ब्लॉग में बने रहिए। था कुछ नाइट एंड डे का व्यू अभी, जस्ट बिकॉज हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हमारा राउरकेला सिटी बहुत खूबसूरत बन रहा है। ब्यूटिफिकेशन के लिए और भी बहुत कुछ बन रहा है, अभी पूरा बन जाएगा तो 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कितना बन गया है। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता है, जो लोग राउरकेला में हैं उनको पता है कि जस्ट बिकॉज हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हमारा राउरकेला सिटी बहुत खूबसूरत बन रहा है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, राउरकेला सिटी में 2 स्टेडियम बन रहे हैं, जैसे कि एक छेड़ में है और एक है बिसरा चौक के पास। तो मैं वही नियर बिसरा चौक का हॉकी स्टेडियम का व्यू दिखाना चाह रही हूँ। ये है उसका गेट, गेट के अंदर मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि अंदर काम चल रहा है तो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ना, ये है गैलरी का आउटडोर पार्ट है, मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंदर जाने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं है। और ये रहा और एक गेट है, गेट तो इसका 4 गेट है, ये पीछे तरफ का गेट है और ये है ब्लू एंड वाइट में दिख रहा है बिल्डिंग। यहाँ पे उन प्लेयर्स के लोग के लिए बनाया गया है जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे फ्रेश वगैरह होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं इसका अंदर की ओर, अंदर में कितना काम क्या चला है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत शेयर करूँगी डिटेल्स में। अंदर में इस तरह न्यू ग्रास लगाया गया है, अभी न्यू लगाए हैं पता चल रहा है। फ्रेंड्स, आप जस्ट आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अंदर का व्यू बहुत अच्छा लगा तो मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ, ऐसे गलत मत सोचिएगा कि ये सब दिखा रही है करके। देखिए, नया नया ग्रास लगाया गया है, नया पेड़ लगाया हुआ है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं अंदर का व्यू अब इस तरह दिखता है। सिटिंग अरेंजमेंट का बात किया जाए तो फ्रेंड्स, इसका कलर पिंक एंड ब्लू है, मैं आप सबको धीरे धीरे मैं दिखाते जाऊँगी। फ्रेंड्स, इसका कैपेसिटी कितना है वो मुझे नहीं पता, ब्लंडली मैं आपको बताना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए डिटेल्स में इतना
सुनना ही था, तो इसलिए जितना पॉसिबल हुआ मैं आप सबको दिखा दी। सिटिंग अरेंजमेंट का पिंक एंड ब्लू है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। आज का डिटेल्स इतना ही था फ्रेंड्स। हमारा राउरकेला शहर में हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा मैं वीडियो बनाई थी। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।